हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास में आने वाली अमावस्या को दर्श अमावस्या कहते हैं। ये अमावस्या पितरों के पूजन के लिए विशेष मानी गई है। एक समय महामुनि मार्कंडेय जी राजा रोहिताश्व के पास आए और उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद अब वे राजा रोहिताश्व को कथा सुना रहे थे। कथा के अंत में राजा रोहिताश्व ने कहा, हे ऋषिवर, मैं श्राद्ध कल्प को सत्य पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्राद्ध के लिए अन्य सबसे पवित्र दिन भी हैं, फिर भी श्राद्ध के लिए अमावस्या का दिन विशेष क्यों बताया गया है? राजा रोहिताश्व का ये प्रश्न सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हाँ राजन, ये सत्य है कि श्राद्ध के लिए उपयुक्त समय और भी हैं। मनवादि तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गजत छाया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सभी दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र तीर्थ, पवित्र मंदिर, श्राद्ध के योग्य ब्राह्मण और श्राद्ध के लिए योग्य उत्तम वस्तुएं प्राप्त करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए जो अमावस्या विशेष रूप से दी गई है उसका मैं अब कारण बताता हूँ। सूर्य की हजारों किरणों में सबसे प्रमुख किरण को अमा कहते हैं। अमा नामक मुख्य किरण के तेज से ही सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं और तिथि विशेष चंद्रदेव उसी अमा में निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या पड़ा। इसलिए अमावस्या हर धार्मिक कार्य का अक्षय फल देती है। श्राद्ध कर्म में इसका विशेष महत्व है। विद्वान व्यक्ति को अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करने चाहिए। भूख से व्याकुल पितृगण श्राद्ध समाप्ति की आशा में अमावस्या तिथि के दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या के दिन जल और फल से भी श्राद्ध करते हैं उसके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि से अति उत्तम दिवस और कौन हो सकता है? इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने दर्श अमावस्या के महत्व को बताया, जो कि प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास में अमावस्या के दिन आती है। इस बार ये दर्श अमावस्या या मार्गशीर्ष मास की विशेष अमावस्या 1 दिसंबर रविवार को आ रही है। तो चलिए आज इसी मार्गशीर्ष मास विशेष दर्श अमावस्या के उपलक्ष्य पर उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वे अत्यंत विद्वान और धार्मिक थे। अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति और धार्मिक गतिविधियों में ही व्यतीत करते। एक बार जब वे सत्संग में गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने एक संत से सुना कि कलयुग में भगवान नारायण की पूजा से अधिक पुण्य फल और किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता। किसी भी प्रकार के यज्ञ और हवन करने से भी उतना पुण्य फल नहीं मिलता जितना भगवान की पूजा आराधना करने से मिलता है। उस संत की ये बात धर्म वर्ण ब्राह्मण के मन में घर कर गई और इसलिए उन्होंने भगवान नारायण की पूजा अर्चना करना आरम्भ किया। भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए और एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। अब धर्म वर्ण घूमते घूमते पितृलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पितरों को अत्यंत दुखी देखा। अन्य पूर्वजों ने धर्म वर्ण को बताया कि उनकी ये स्थिति त्याग के कारण हुई है। उन्होंने इस संसार को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताया था और सब कुछ छोड़ दिया था और एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया था, इसलिए उनकी तृप्ति के लिए अब कोई भी पिंडदान करने के लिए नहीं बचा था और इसीलिए वो इस नर्क में यातना भुगत रहे हैं और दुखी हैं। ये सुनकर धर्मवर्ण ब्राह्मण को समझ में आया कि मात्र संसार को त्यागने से या फिर तीर्थ यात्रा पर जाने से ही जीवन व्यतीत नहीं होता, मोक्ष के लिए गृहस्थ जीवन भी आवश्यक है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन आरंभ किया और कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उन्होंने यज्ञ करवाया और अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। पंचांग के अनुसार अमावस्या के एक दिन पहले दर्श अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन पितृदेव धरती पर आते हैं और अपने परिवार को प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सुख का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए विशेषकर पितरों की मुक्ति के लिए दर्श अमावस्या के दिन पूजा पाठ तर्पण भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण किया जाता है। पुराणों और वेदों के अनुसार दर्श अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो भी पूजा दान और प्रार्थना की जाती है वे अवश्य ही पूर्ण होती है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख धन संपत्ति सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन जो भी दरिद्र व्यक्ति भगवान नारायण का व्रत और पूजन करता है उसे धन की प्राप्ति होती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है।
अमावस्या के दिन ग्रहों के अतिरिक्त ऊर्जा नकारात्मक किरणें मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालती है और इसका अन्य प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में भी बदलाव लाता है, जैसे कि मानसिक बीमारी, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि देखने को मिलते हैं। इसलिए दर्श अमावस्या के दिन चंद्र देव के दर्शन नहीं होते। हालांकि उनकी पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि चंद्रदेव मनुष्य को शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इस दिन उसे व्रत रखना चाहिए और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो भी चंद्रदेव की कृपा से उसे इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ पितृ पूजन, पितृ तर्पण, पिंडदान, स्नान और दान का भी अत्यंत विशेष महत्व है। इस दिन गायों को चारा खिलाना, भूखों को भोजन करवाना, योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, संपूर्ण दिन उपवास करना और वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए दान देना, ये सारे कार्य करने से हजारों गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए और भगवान शिव का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव भूतों के देवता हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करके भी आप पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। इस दिन पितरों की मुक्ति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए भगवान नारायण और महादेव की पूजा भी की जाती है। ये दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। मन को शुद्ध और पवित्र रखकर भगवान नारायण और महादेव की पूजा अर्चना करने से जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं और इसीलिए ये दिन सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितृदेव का आशीर्वाद पाने के लिए भी उत्तम माना गया है। कई लोग इस दिन हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त शिरोमणि हनुमान जी जीवन में आने वाली सभी दुविधाओं, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं और परम भगवान श्री हरि की कृपा प्रदान करते हैं। तो ये थी आज की दर्श अमावस्या व्रत कथा और उसकी महिमा। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आज के दिन इस कथा का श्रवण और पठन करने से मनुष्य को परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। तो इसलिए इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी इस पुण्य फल के भागी बनाने का अवसर प्रदान कीजिए और ऐसी ही प्राचीन पौराणिक और प्रमाणभूत कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आने वाली सभी कथाओं के विषय में भी आपको निरंतर जानकारी मिलती रहे। हरे कृष्णा।